नमस्कार, आप सबका इस पाठ्यक्रम में पुनः स्वागत है। आज हम स्वतंत्र घटनाओं पर कुछ सांख्यिक समस्याओं की चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यानों में आपने देखा था कि हमने शुरुआत करी प्रायिकता की अभिग्रहित से, फिर हमने प्रतिसंबंधित प्रायिकता के बारे में चर्चा की। आज उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम स्वतंत्र घटनाओं की प्रायिकता कैसे निकाली जाती है, इस पर कुछ प्रश्नों को लेंगे। पहले की भांति हम शुरू करते हैं एक संक्षिप्त पुनरावलोकन, क्या होती है ये एक स्वतंत्र घटनाएं। तो उनकी परिभाषा और कुछ महत्वपूर्ण परिणाम मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर हमें दो घटनाएं, जिन्हें कि हम ई और एफ से इंगित कर रहे हैं, अगर जब एक घटना घटित हो चुकी हो तो दूसरी घटना पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा कि हमने देखा था कि प्रतिसंबंधित प्रायिकता में एक घटना के घटने का प्रभाव दूसरी घटना के घटने पर पड़ता है, परंतु अगर दो घटनाएं स्वतंत्र हैं तो एक घटना का प्रभाव दूसरी घटना पर नहीं पड़ता है। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं गणितीय पदों में कि प्रतिसंबंध प्रायिकता घटना ई की, जबकि घटना एफ के बारे में परिणाम ज्ञात हो, बराबर रहती है घटना ई की प्रायिकता जबकि घटना एफ के बारे में हमें कुछ भी पता ना हो। यही हम उसको विपरीत तरह से लिख सकते हैं कि घटना एफ की सप्रतिबंधित प्रायिकता घटना ई के होने पर बराबर रहती है घटना एफ की प्रायिकता के। तो यह तो हुई परिभाषा स्वतंत्र घटनाओं की और प्रायिकता पर पड़ने वाले उनके प्रभाव की। कुछ और परिणाम, अगर दो स्वतंत्र घटनाएं की संयुक्त प्रायिकता अगर हमें व्यक्त करना हो तो आप बेज के प्रमेय से आप समझ सकते हैं कि वो प्रायिकता हम बड़े आसानी से उन दोनों घटनाओं की खुद होने वाली प्रायिकता के गुणन से व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास n स्वतंत्र घटनाएं दी हुई हैं तो उनमें से किसी भी एक उपसमूह, यहाँ पे हम r उपसमूह के बारे में लिख रहे हैं, कि प्रायिकता होगी, उन सभी r घटनाओं की प्रायिकताओं की संयुक्त प्रायिकता होगी उन सभी घटनाओं की स्वयं की प्रायिकता के गुणन के बराबर।